ओके तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, तो 8 प्रॉब्लम ने क्या दिया है, 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A। ओके, तो हमें पहले cot A दिया हुआ है, एज इट इज बच्चों जैसा हम प्रीवियस सॉल्व करते थे वैसा सेम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अच्छे से 3 cot A = 4, ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मलाइज कर लूँगा, cot A = 4/3। ठीक है, तो cot A बोले तो क्या, 1 / tan A, इनवर्स ऑफ tan 4/3, तो हमें क्या मिला, tan A = क्या मिला, 3/4। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इधर पे पहले ट्रायंगल को नाम देंगे ए बी सी, जो कि बी है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो टैन ए क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या है, बी सी है, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी आ गया। लेट इधर पे क्या बोलेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी = 3/4। लेट इधर के मान लिया हमने, तो मेरे को बी सी मिल गया बच्चों, बी सी मिल गया 3 के और ए बी मिल गया 4 के। ठीक है, जैसा कि हम आज तक अभी तक जो कि हमने 7 प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी बी सी को मैं नाम देता, वैल्यू उसकी पुट करता 3 के, ए बी रखूँगा 4 के, तो हमें अभी ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC² = AB² + BC²। ओके ठीक है, तो ए बी कितना आएगा, ए बी है 4 के, बी सी कितना है 3 के, तो ये आएगा 16K² + 9K² = 25K², तो AC² है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करूँगा मैं, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए सी आएगा और इधर पे 25 का 5 आएगा, के स्क्वायर का क्या आएगा, तो ए सी मेरे को मिल गया 5 के। ठीक है, तो अब साइन ए कॉस ए और टैन ए के वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये रेशो और इधर का वैल्यू ये इक्वल है या नहीं चेक करना है। ठीक है, तो मैं अभी देख रहा हूँ साइन ए फाइंड आउट कर रहा हूँ, साइन ए ए के अपोजिट साइड जो कि है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, 3 के मीन्स वॉट, 3K / 5K, तो ये के गेट कैंसल, साइन ए आ गया 3/5। ठीक है, साइन ए मेरे को मिल गया, कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 4K / 5K मीन्स वॉट, इधर पे 4 के गेट कैंसल, 4/5 मेरे को कॉस ए मिल गया। ठीक है, डन। और टैन ए तो मेरे को पहले से पता है, तो मेरे को अभी साइन ए का वैल्यू मिल गया, कॉस ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो अब और टैन ए तो मेरे पास है ही है। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा वेदर 1 - tan² A / 1 + tan² A = और नॉट इक्वल विथ cos² A - sin² A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट 1 - tan² A / 1 + tan² A। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 - tan कितना है, 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 1 - 9/16 / 1 + 9/16। ओके, तो ये 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 - 9 / 16 + 9। ओके, समझ लो, हाँ समझ लो बच्चों, 16 + 9। ठीक है, तो एक एक स्टेप्स में लिख रहा हूँ इधर, 16 - 9 तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय ये आएगा 16। ठीक है, इधर 16 + 9 कितना आएगा, 25 / 16। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था, पहला आदमी एज इट इज़ आएगा, प्रीवियस लेक्चर आई होप दैट आपने देखा होगा, 7/16 एज इट इज़ आएगा, और ये इसका पैर और पैर ऊपर सर नीचे आ जाएगा, मीन्स वॉट, 16 ऊपर जाएगा, ये आदमी का पैर ऊपर और सर नीचे आएगा, तो 16 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, 16 16 गेट कैंसल, तो इस रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मेरे को मिल गया 7/25। ठीक है,
तो अब मेरे पास तो जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर पे फाइंड आउट करूँगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए लिखने का। तो कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए फाइंड आउट करेंगे हम वैल्यू। तो देखो कॉस कितना है बच्चों, 4/5, तो ये है 4/5 ब्रैकेट स्क्वेयर, माइनस साइन कितना है 3/5 ब्रैकेट स्क्वेयर। ठीक है, तो इधर पे क्या आएगा, 5/5 मीन्स इधर पे आएगा 25, माइनस इधर पे भी आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो इधर 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो मेरे को 25 25 सेम, ठीक है, 16 माइनस 9 मिल गया। तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7/25, ये भी मेरे को 7/25 मिल गया बच्चों। मीन्स वॉट, मैंने स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर दी इधर, तो देखो मेरे को देखो, आप अगर इधर पे देखोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, इसका वैल्यू मिल गया 7/25, इसको हम इक्वेशन वन बोलेंगे। और कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो ये भी वैल्यू मेरे को 7/25 मिल गई। होप सो दैट आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ऐसा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ओके ठीक है बच्चों, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसीजर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम देखेंगे नाइन्थ प्रॉब्लम।